गुड मॉर्निंग। तो मुंगेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़ जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में देखिए, आप लोग जो गर्ल्स कैंडिडेट जिनका ग्रेजुएशन हो गया 2019-22 सेशन से, उनको 50,000 का जो सहायता राशि सरकार की ओर से मिलती है कन्या उद्यान योजना की तरफ से, तो वो कैसे लेंगे इसके बारे में बताएंगे। साथ ही आप लोग को इस वीडियो में देखिए, हम बहुत सारे जो पिछला वीडियो बनाए थे उसमें बहुत सारे कमेंट्स था कि सर ऑनलाइन कब से कब तक होगा या इस तरह से, तो जितने भी कमेंट्स थे आप लोग का ले लिए यहाँ पर मेनली। देखिए 50,000 कैसे मिलेगा, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करूँ, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आप लोग की कैसे आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ से आप लोग को ऑनलाइन करने में डॉक्यूमेंट्स अभी क्या क्या जरूरत है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आप लोग को क्या, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स थे, क्या सिर्फ फर्स्ट डिवीजन वाले को मिलेगा या सभी को मिलेगा, तो इसके बारे में बताएंगे। 50,000 सिर्फ फर्स्ट डिवीजन को मिलेगा या सबको मिलेगा, 2019-22 सेशन से पास हूँ तो मिलेगा कि नहीं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं 2019-22 सेशन जो अभी रिजल्ट आई थी, तो वो लोग अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं उसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही आप लोग देखिए यहाँ पे कि ऑनलाइन कब से कब तक होगा और लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट के बारे में भी बहुत सारे कमेंट्स थे कि लास्ट डेट कब है, ऑनलाइन कब से कब करना है, कब से ऑनलाइन हम लोग कर दें। उसके बाद मैरिड गर्ल्स को 50,000 मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी कमेंट्स थे, तो ये सारे डिटेल पे आप लोग का बात करेंगे। आइए आप लोग को मदद करते हैं कि कैसे आप लोग ऑनलाइन कर पाएंगे और ले पाएंगे। इससे पहले देखिए, हम कभी आपको शेयर करने नहीं बोलते हैं, लेकिन ये 50,000 रुपया का सहायता राशि है, तो सभी जितने भी गर्ल्स अभी ग्रेजुएशन करी होंगे, सब मिडिल लेवल क्लास से आती हैं, तो सभी तक वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको सरकार की तरफ से 50,000 का सहायता राशि मिल पाए, क्योंकि उन लोग भी मिल जाएगी तो एक बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगी उन लोग के लिए आगे की फ्यूचर प्लान करने में। तो 50,000 बहुत बड़ी रुपीज़ होता है किसी भी घर के लिए, तो आप लोग उन तक शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी सभी को मिल जाए, कोई भी कैंडिडेट एक भी छूटे नहीं, गर्ल्स कैंडिडेट उन लोग को नहीं छूटना चाहिए। ये आप लोग का जिम्मेवारी है कि उन तक बात को पहुंचाना है। आइए सबसे पहला कमेंट्स लेते हैं कि क्या सर सिर्फ फर्स्ट डिवीजन का मिलेगा या तो सबको मिलेगा। तो देखिए ये सब बहुत सारे कमेंट्स था कि फर्स्ट डिवीजन को ही सिर्फ मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। वो मैट्रिक में मिलता था कि फर्स्ट डिवीजन वाले को ही दिया जाएगा, इंटर में दिया जाता था, लेकिन ये कन्या उत्थान योजना जो है इसमें से सिर्फ आप ग्रेजुएशन पास हैं, किसी भी डिवीजन से पास हैं, फर्स्ट हो, सेकेंड हो या थर्ड भी पास हो, थर्ड तो ऐसे होती नहीं है, तो सिर्फ आप जस्ट पास हैं। जैसे मान लीजिए 90 मार्क्स में पास होता है, आपका 90 मार्क्स भी है या 91, सिर्फ आपके सर्टिफिकेट पर यदि पास लिखी हुई है तो आपको 50,000 रुपीज़ मिलेगा। आप गलत फहमी में नहीं रहिए, यदि कोई आपको गलत बता रही है तो वो गलत है, सभी को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस योजना का लाभ स्नातक उत्तीर्ण उन्हीं छात्रों को दे होगा जो निम्न शर्तों को पूरा करती हो। तो शर्त क्या है कि बिहार का स्थायी निवासी, ये तो आप जानते हैं कि बिहार का परमानेंट निवासी हैं आप लोग। दूसरा, राज्य के अंदर अवस्थित अंगीभूत अथवा मान्यता प्राप्त सब डिग्री महाविद्यालय संस्थानों से 31 मार्च 2021 के बाद स्नातक अथवा स्नातक समकक्ष का डिग्री प्राप्त किया हो, अर्थात उनका परीक्षा फल 31 मार्च 2021 के बाद प्रकाशित हुआ, यानी कि ये 2021 में लागू हुआ, इसलिए 31 मार्च 2021 के बाद जो भी उत्तीर्ण किया हो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्नातक हो या डिग्री प्राप्त किया हो। डिग्री प्राप्त करने का मतलब ये नहीं होता कि आप फर्स्ट डिवीजन किए हो, आप कैसे भी किए हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जस्ट पास हो, तो आपको मिलेगा ये राशि और सभी को मिलता है। जो भी कैंडिडेट आप लोग सिर्फ पास हो गए हैं, यानी आपके सर्टिफिकेट में पास लिख दिया, तो उन लोग को भी मिलेगा, और जो लोग फेल कर गए हैं उन लोग को भी जब पास आप लोग कर जाएंगे तो मिलेगा। ये हर एक साल मिलेगा, ऐसा नहीं कि अब ये सिर्फ मिल रही है इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, सभी को मिलेगा। तो ये डाउट्स आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि सभी को मिलेगा 50,000। तो जो भी कैंडिडेट अभी पास हो गए हैं ग्रेजुएशन, जितने भी आपकी फ्रेंड्स होंगे सभी तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी मिले। आइए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट तक सर 2019-22 सेशन से हम लोग पास हैं तो क्या अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए अभी आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी मार्कशीट नंबर मांगा जा रहा है, तो अभी आप लोग के पास मार्कशीट नंबर नहीं है इसलिए नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो मार्कशीट नंबर जैसे ही आ जाएगा अप्लाई कर दीजिएगा आप लोग, ये चलता रहेगा, अभी बंद नहीं होगा। इसलिए मार्कशीट नंबर लेने के लिए आप लोग को क्या करना है, रिजल्ट तो आ ही गया, जितने लोग पास हो गए हैं सभी लोग कॉलेज जाइए, यूनिवर्सिटी जो लगभग में है वहाँ पर जाइए और बोलिए कि सर हमें कन्या उद्यान योजना में 50,000 के लिए अप्लाई करना है, तो आप हमसे मार्कशीट जल्दी से जल्दी रिलीज कीजिए। यदि प्रेशर बनाएंगे आप लोग वहां पे जाके यूनिवर्सिटी में, तो ऐसे भी बनिएगा ही, बहुत सारे कैंडिडेट ये अप्लाई करने वाले हैं, तो जितने भी गर्ल्स हैं उसमें 8-10 गर्ल्स भी जाएंगे, तो ये आप लोगों को मार्कशीट दे दिया जाएगा क्योंकि मार्कशीट बहुत जल्द आ जाती है, वहां पे प्रिंट हो गई होगी, आप लोग को अपलोड कर देगा वेबसाइट पर, वहां से मार्कशीट नंबर मिल जाएगा, फिर आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। तो 2019-22 सेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मार्कशीट नंबर आने का वेट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट कमेंट था कि एक मैरिड गर्ल्स कमेंट की थी, मैरिड गर्ल्स को 50,000 मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इस योजना का लाभ मिल सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे सभी को दिया जाएगा, यहाँ पे कोई मैरिड अनमैरिड की बात नहीं है, जो भी गर्ल्स कैंडिडेटशिप होनी चाहिए, गर्ल्स कैंडिडेट हैं और आप बिहार के हैं और आप ग्रेजुएशन पास हैं किसी भी डिवीजन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सिर्फ पास भी हैं, जस्ट पास तो भी आपको मिलेगा, और आप लोग भी फिल कर दीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट को ऐसा लग रहा है कि मैरिड हैं तो उनको नहीं मिलेगा, सभी को मिलेगा, मैरिड हैं अनमैरिड हैं सभी को मिलेगा, और सभी लोग जरूर से ज़रूर अप्लाई कीजिएगा ताकि आप लोग को ये
सहायता राशि जरूर से जरूर मिले, क्योंकि सरकार को तो हमेशा कुछ देती नहीं है, लेकिन ये यदि दे रही है सरकार, बिहार गवर्नमेंट स्टार्ट की है, तो अच्छी बात है, आप लोग इसका लाभ जरूर लें। अब आइए जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स का एक लिस्ट हमने बना लिया है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं लगेगा। आपके एक आधार कार्ड लगेगा जो कि सभी के पास होगा, मार्कशीट लगेगा 10, 12 तो ग्रेजुएशन का, तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट 2019-22 सेशन वाले आने दीजिए, 18-21 सेशन वाले जो वो लोग अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अभी देखिए मार्कशीट जस्ट आ जाएगी, कुछ ही दिन में आ जाएगी। आप लोग जब यूनिवर्सिटी जाएंगे, कॉलेज में बात करेंगे, तो मार्कशीट आ जाएगी, फिर मार्कशीट मिल ही जाएगी आपको। तो आधार कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गया, फिर लगेगा आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो कि बिहार का होना चाहिए, रेसिडेंशियल यानी कि आवासीय सर्टिफिकेट। तो आवासीय ये ब्लॉक से बनती है, जाके बनवा लीजिएगा, जिनके पास नहीं बना होगा, जिनका बना होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी आप एक नया बनवा लीजिएगा, बन जाएगा, ऑनलाइन ही होती है, ऑनलाइन कर देंगे, कैफे से कहीं भी ऑनलाइन करवा देंगे, या तो खुद से भी आता है तो ऑनलाइन कर देंगे, तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका बन के आ जाएगा। नेक्स्ट है बैंक पासबुक, और ये बैंक पासबुक जो है, ये बैंक पासबुक आपका बिहार का ही अकाउंट में होना चाहिए, किसी भी बिहार के बैंक में, किसी भी बैंक में अकाउंट होना चाहिए जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं। तो आप लोग जैसे स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बहुत सारे यूनाइटेड बैंक हो गया, जितने भी बहुत सारे बैंक हैं जो कि गवर्नमेंट के अंदर में काम करती है, तो यहाँ पे आपका सिर्फ बिहार का अकाउंट होना चाहिए, बिहार के बाहर का अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो आप लोग को पता चल गया होगा डॉक्यूमेंट में, देखिए आधार कार्ड सभी के पास होता है, मार्कशीट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी आवासीय सर्टिफिकेट, और बैंक पासबुक, बस इतने ही सारे सर्टिफिकेट आपको लगेंगे, इतने ही सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फिर ऑनलाइन कर देंगे। अब जान लेते हैं, ये लास्ट कमेंट है कि ऑनलाइन कब से कब तक होगा और लास्ट डेट क्या है। तो देखिए, कोई लास्ट डेट यहाँ पे फिक्स नहीं की जाती है, ऑनलाइन अभी से ही स्टार्ट है, ऑनलाइन आज भी कर सकते हैं आप, जब भी मार्कशीट नंबर आ जाएगा आपके पास तो ऑनलाइन कर सकते हैं, और ये हमेशा होते रहती है, ऐसा नहीं डरिएगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी फिर से 2 महीने के बाद होगा। अभी 19-22 सेशन वाले मुंगेर यूनिवर्सिटी रिजल्ट दे दिया, लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटी रिजल्ट नहीं दिया है, इसलिए ये होते रहेगा। यदि आप किसी कारण से इस साल नहीं भी ले पाते तो आप अगले साल भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको लेकर परेशान नहीं होइएगा, लेकिन अप्लाई जरूर कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, इस साल भी मिलेगा, अगले साल भी मिलेगा, एक बार आप लोग को मिलेगा ग्रेजुएशन पास, यदि 2021 के बाद से आप पास हैं तो कभी भी अप्लाई करके आप ले सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट एंड लास्ट कमेंट है कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, तो आइए आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करके लाइव दिखाते हैं। तो देखिए, आप गूगल ओपन कर लीजिएगा और गूगल में आप लोग यहाँ पर सर्च कीजिएगा MED, इस तरह करके MED यहाँ पे सर्च कीजिएगा, तो इस तरह से आपके पास वेबसाइट का नाम ही नीचे यहाँ पे आ जाएगी, MEDHASOFT bihar.in, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखिए ऐसा खुल के आएगा आपके सामने, और यहाँ पे खुल के आने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से आप स्क्रॉल करके थोड़ा ऊपर कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे जितने भी स्कॉलरशिप का योजना है वो दिया हुआ है, मुख्यमंत्री बालिका 10th पास योजना, 12th पास योजना, और यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना यानी कि ग्रेजुएशन स्नातक वाला, तो ये इस पे आपको नीचे वाला पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप 2022 के लिए, फिर आपके सामने ऐसा आइकॉन खुल के आएगा, यहाँ पे देखिए आएगा ऑफिशियल लॉगिन और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कीजिएगा, जो लोग रजिस्ट्रेशन अभी नहीं किए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया वो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिटेल लिखे हुए हैं, तो ये सभी पे आपको टिक कर देना है। यहाँ पे देखिए ये सभी पे आपको टिक कर देना है, करेक्ट करेक्ट, तो यहाँ पे टिक कर लेते हैं हम। देखिए उसके बाद टिक करने के बाद यहाँ से आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ देखिए कंटिन्यू लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते ही आपके पास ऐसा खुल के आ जाएगा, जहाँ से आप सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से देखिए सेलेक्ट यूनिवर्सिटी, अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने बोल रहा है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी। देखिए स्क्रॉल करके जैसे नीचे कीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी मुंगेर यूनिवर्सिटी वाले एलिजिबल हैं। फिर यहाँ से आपका आ जाएगा कि यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोल नंबर, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका ये पासवर्ड वाला जो UID है उसको यहाँ पर आप डालिएगा ID, उसके बाद यहाँ पे देखिए मार्कशीट नंबर मांग रहा है, यहाँ पे जो आपका मार्कशीट आएगा वो मार्कशीट नंबर डालिएगा, और फिर यहाँ पे फादर नेम पूछे जाएंगे, फादर नेम डालिएगा, यहाँ गेट डिटेल पे चेक क्लिक कीजिएगा, तो आपका सारा डिटेल आ जाएगा, जो भी आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है वहाँ से बहुत सारे डिटेल्स आपको दिखने लगेगा, और यदि सही डिटेल आ जाए फिर यहाँ पे अपना कैंडिडेट नेम डाल के यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, फिर ऑनलाइन वहाँ से रजिस्ट्रेशन होकर आपका ID क्रिएट हो जाएगा, फिर यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे फिर ऐसा डिटेल आपके पास आ जाएगी और ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सभी तक जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा जो भी आपके गर्ल्स कैंडिडेट हैं, और बॉयज़ कैंडिडेट के लिए ये नहीं है। एक दो कमेंट था कि सर बॉयज़ को क्या मिलेगा, तो बॉयज़ के लिए ये स्कीम नहीं है, आप लोग गवर्नमेंट पर दबाव बनाइए तो शायद आएगा, तो आगे जाके मिल सकती है। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।